Hello friends, welcome to all of you, PVR study. Friends, कल आप लोग पढ़े थे past indefinite tense में affirmative और negative sentence. तो आज पढ़ने चल रहे हैं interrogative sentence. आप present tense में पढ़ चुके हो. Interrogative sentence दो प्रकार से होते हैं, दो types बताया गया है. जब हमारा वाक्य question word से अर्थात क्या से शुरू होता है और जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो दोनों के नियम अलग अलग से बताए गए थे. फिर से देख लेते हैं एक बार. जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड आए, तो इसका अनुवाद करने का नियम देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब प्रयोग क्या करेंगे, डिड, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कह रहा है क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड क्या, जैसे वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए, जिस कहाँ कितने कब क्या कि कहाँ कब किसने क्या इत्यादि. हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हमारे साथ प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हेल्पिंग वर्ब में डिड का प्रयोग करना है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है. उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट. तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. मैं कल दुकान पर कितनी पुस्तकें खरीदा. कितनी पुस्तकें खरीदा, कह रहा है मैं कल दुकान पर कितनी पुस्तकें खरीदा. तो कह रहा है कितनी, हाउ मेनी बुक्स. हाउ मेनी बुक्स, कितनी पुस्तकें. बुक्स क्या है, नाउन है, उसके पहले क्या है, एडजेक्टिव है ना. डिड आई माने मैं, फिर बाई खरीदा मेन वर्ब फर्स्ट वर्ब, दुकान पर एट द शॉप, एट द शॉप. इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, हाउ मेनी बुक्स डिड आई बाई एट द शॉप. आगे क्या है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. तुम कल उस विद्यालय में किसे पढ़ाए. कह रहा है तुम कल उस विद्यालय में किसे पढ़ाए. हूँ माने किसे, हूँ डेड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट,
है ना। अब क्या है, मेन वर्ब टीच, पढ़ाए उस विद्यालय में, इन प्रीपोजिशन है, दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, स्कूल इन दैट स्कूल। अब कह रहा है कल स्टार्ट, कल हुम डिड यू टीच इन दैट स्कूल स्टरडे। कह रहा है तो देख लेते हैं जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है। जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब भी वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और वह क्वेश्चन वर्ड केवल एक है, क्या क्या से हमेशा शुरू होता है, तो बताया गया है क्वेश्चन वर्ड को हटा दीजिए, आपका स्ट्रक्चर अनुवाद करने का नियम तैयार है। हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखते हैं अनुवाद करने का नियम क्या है, ओ सॉरी एग्जाम्पल क्या है। क्या राजा हरिश्चंद्र अपने वचन को निभाने के लिए, अपने वचन को निभाने के लिए क्या राजा हरिश्चंद्र अपने वचन को निभाने के लिए अपने बीवी बच्चे बीवी और बच्चे को भी त्याग दिया, है ना। हमारा किससे शुरू, क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। देखते हैं डिड, डिड से शुरू किया हेल्पिंग वर्ब से। अब प्रश्न क्या है, राजा हरिश्चंद्र डिड द किंग, राजा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र क्या किए, अपने बीवी और बच्चे को भी त्याग दिए। अब मेन वर्ब त्यागना क्या है, मेन वर्ब त्यागना की मीनिंग क्या होगी, गिव अप, गिव अप मतलब त्यागना, तो यहाँ क्या हो जाएगा गिव अप, गिव अप त्याग दिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट अपनी बीवी और बच्चे को भी, तो यहाँ क्या कर रहे राजा हरिश्चंद्र, क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, त्या हिच अपने बीवी और बच्चे को भी, तो यहाँ पे इवन का प्रयोग करेंगे, पहले इवन भी, इवन हिज वाइफ एंड चाइल्ड, चिल्ड्रेन आप बहुवचन है, बच्चे सी एच आई आर
ठीक है ना, कह रहा है वाइफ एंड चिल्ड्रेन, अपनी पत्नी और बच्चे, चिल्ड्रन क्या है बहुवचन है, बच्चे को भी त्याग दिया। अब क्या कह रहा है, अपने वचन को निभाने के लिए, क्यों त्याग दिया, अपने वचन को निभाने के लिए, निभाने के लिए, तो टू टू कीप अपने वचन को, हिज प्रोमिस है ना। कह रहा क्या राजा हरिश्चंद्र अपने वचन को निभाने के लिए अपने बीवी और बच्चे को भी त्याग दिया। डिड राजा हरिश्चंद्र गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ना, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे मेन और के, गिव अप छोड़ दिया, त्याग दिया, क्या छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट है इवन माने ही, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन क्या बहुवचन है, अब क्या अपने वचन को निभाने के लिए, टू कीप रखने या निभाने के लिए, टू कीप हिज प्रोमिस, प्रोमिस माने वादा या वचन, देखिए यहाँ पे प्रोमिस, प्रोमिस इन दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है आपका वर्ब है, वर्ब है, और ये क्या है नाउन है, हमें जरूरत किसकी थी नाउन की है ना, ये वर्ब है। एक और देख लेते हैं, क्या तुम कुछ महीने पहले, कुछ महीने पहले अपने बीमार पिता को, कह रहा है क्या तुम कुछ महीने पहले अपने बीमार पिता को देखने, देखने गांव नहीं गए, सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव है नहीं यहाँ पे, आप इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, अपने गांव गए है ना। तो देखिए ट्रांसलेशन करते हैं, डिड यू सब्जेक्ट है जाना, गो टू विलेज, अब कह रहा है गो टू विलेज गांव गए, गांव किस उद्देश्य से गए, अपने बीमार पिता को देखने अर्थात देखने के लिए है ना, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, टू सी देखने के लिए, किसे देखने के लिए, अपने बीमार पिता को, हिज सर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यू है तो यहाँ पे योर हो जाएगा, योर एल फादर, एल फादर कुछ महीने पहले, सम मंथ्स एगो, है ना। देखिए क्या हुआ है, डिड यू गो टू विलेज टू सी योर इल फादर सम मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले, देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो हमारा जब वाक्य वाक्य के
बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। कह रहा जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए और हम पढ़ क्या रहे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और आपको बता पहले ही बताया जा चुका है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अंतर सिर्फ एक होता है ना, नॉट अर्थात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और नॉट का प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग जस्ट हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं है ना, और नॉट का प्रयोग उसी सब्जेक्ट के जस्ट बात करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब डिड है सब्जेक्ट है, अंतर क्या है इसमें केवल नॉट का प्रयोग करेंगे है ना, ये सब्जेक्ट है आपका और ये सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब है ना, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं, तुम कल उसे पुस्तक क्यों नहीं पढ़ाए है ना, तुम कल उसे पुस्तक क्यों नहीं पढ़ाए, क्वेश्चन वर्ड है आपका व्हाई, हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट यू और जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब क्या है टीच पढ़ाना, क्या पढ़ाने की बात हो रही है पुस्तक है ना, और उससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम आ बुक, उसे पुस्तक पढ़ाए स्टडी कल, Why did you teach him a book yesterday? मैं बगीचे में कुछ आम क्यों नहीं तोड़ा, कह रहा मैं बगीचे में कुछ आम क्यों नहीं तोड़ा, Why did I not pluck some mangoes in the garden, in the garden, why did I not pluck some mangoes in the garden? तो आइए देखते हैं अब जब हमारा वाक्य कैसे शुरू होता है। जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो उसमें अंतर क्या है, क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए सेम वही चेंजिंग, ये क्वेश्चन वर्ड को हटा दिए तो क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जांपल क्या है,
क्या वह रसोई में भोजन नहीं पकाई? क्या वह रसोई में भोजन नहीं पकाई? डिड सी नॉट कुक फूड इन द किचन? कह रहा है डिड सी नॉट कुक फूड इन द किचन? क्या रसोई घर में भोजन नहीं पकाई? क्या वे विद्यार्थी उस विद्यालय में पुस्तक पढ़ने नहीं जाना चाहते थे? कह रहा क्या वे विद्यार्थी उस विद्यालय में पुस्तक पढ़ने नहीं जाना चाहते थे? है ना, ता था ती थी या ते थे भी आता है तो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। देखिए डेड, सब्जेक्ट क्या है? दोज स्टूडेंट्स क्या है? नहीं है ना, नॉट यहां प्रयोग करिए। गो जाना चाहते थे, आपका मेन वर्ब क्या है? चाहना, तो वांट टू गो जाना चाहते थे। क्या करने के लिए? पुस्तक पढ़ने उस विद्यालय में। टू गो टू रीड अ बुक है ना। देखिए डिड दोज स्टूडेंट्स नॉट वांट टू गो जाना चाहते थे क्या करने? पुस्तक पढ़ने किस विद्यालय में? उस विद्यालय में। इन दैट स्कूल Did those students not want to go to read a book in that school? इस प्रकार दोस्तों ये past indefinite tense समाप्त होता है यहीं पर। अब कल अगली वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे past continuous tense। Okay friends।